हेलो, हाउ आर यू? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे हैं। भगवान अल्लाह खुदा वाहेगुरु जीसस क्राइस्ट के आगे ये दुआ करते हैं कि वो हम सबको अच्छा रखे। आज बात करेंगे राइट अपॉर्चुनिटी के ऊपर। अपॉर्चुनिटी कैसे आती है, कैसे ख्याल रखना पड़ता है अपॉर्चुनिटी आए। लेकिन आपने ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इतनी अच्छी स्टोरीज, इतने अच्छे मोटिवेशन स्पीच आपको सबसे पहले मिलते रहे। बेल बटन को दबा दीजिए। एक बार क्या होता है, एक 24 साल का लड़का रमेश, जो बहुत बड़े बड़े सपने देखता है, उसकी एक बड़ी गाड़ी होगी, एक बड़ा घर होगा, वो सारे वर्ल्ड की टूर करेगा। लेकिन उसको ये समझ आती है कि सबके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो वो अपने जो गुरुजी होते हैं, वो गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए ताकि मैं बहुत पैसे कमा सकूं, क्योंकि मुझे एक अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छा घर लेना है। तो गुरुजी कहते हैं कि मेहनत करो, राइट अपॉर्चुनिटी की वेट करो। तो कहते हैं कि नहीं, आप मुझे कुछ ऐसा दीजिए ताकि मैं बहुत पैसे कमा सकूं। तो एक दिन क्या होता है, गुरुजी उसको एक समुंदर किनारे लेके जाते हैं और उस समुंदर किनारे हजारों कंकड़ पड़े होते हैं। तो गुरुजी उससे कहते हैं कि इन कंकड़ों में एक कंकड़ है जिसको आप कोई भी धातु पे लगाओगे, छुओगे, तो वो धातु सोने में बदल जाएगा और फिर वो सोना बेच के तुम जो चाहे खरीद लेना। और जितनी बार किसी भी धातु के साथ लगाओगे वो सोना हो जाएगा। तो जो रमेश शिष्य होता है वो पूछता है कि समझ कैसे लगी कि इन कंकड़ों में कौन सा कंकड़ ऐसा है। तो गुरुजी उसको बताते हैं कि हर कंकड़ को परखना होगा और जो असली कंकड़ है जिससे हर धातु सोने में बदल जाएगा वो थोड़ा गर्म होगा और बाकी जो कंकड़ है वो ठंडे होंगे। तो शिष्य को लगता है काम थोड़ा कठिन है, लेकिन सपने पूरे करने के लिए इतना कुछ किया जा सकता है। तो वो अगले दिन से उन कंकड़ों को परखना शुरू कर देता है। अब वो सोचता है कि अगर मैं कंकड़ परख के ऊपर ही रख दूंगा तो हो सकता है कि रात को या गलती से वो पुराने कंकड़ के साथ फिर मिक्स हो जाए और काम बढ़ता ही जाएगा। इसलिए वो एक एक कंकड़ परखता है और समुंदर में फेंक देता है। वो हर कंकड़ को बहुत बारीकी से परखता है, बहुत अच्छे से हाथ में लेता है, छूता है, फील करता है और समुंदर में फेंक देता है। पहला दिन गुजरता है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, एक हफ्ता। अब उसकी परखने की जो रफ्तार होती है वो बढ़ जाती है। उसको लगता है कि अब उसको परखने की प्रैक्टिस हो गई है। तो एक महीना, दो महीने, अब उसकी माइंड की कंडीशनिंग ऐसे हो चुकी होती है कि वो कंकड़ हाथ में लेता है, फील करता है और जल्दी जल्दी फेंक देता है। कंकड़ लेता है, फील करता है और जल्दी जल्दी फेंक देता है। तो जब छठा महीना आता है, एक दिन क्या होता है, एक कंकड़ उसको थोड़ा गर्म लगता है, लेकिन फिर भी उसकी हैबिट, मन की कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी होती है कि वो उस कंकड़ को भी फेंक देता है। और फेंकने के साथ साथ रियलाइज करता है ये कंकड़ तो
वही था जिसके बारे में गुरुजी बता रहे थे, ये मैंने क्या किया। दोस्तों हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है, ये जो एक एक कंकड़ है ना, ये एक एक दिन है और हम हर एक दिन बहुत हल्के से लेते हैं, वो समुंदर में चला जाता है। बहुत हल्के से लेते हैं और जब हम दिन हल्के से लेना शुरू करते हैं ना, तो हर एक दिन को बहुत हल्के से लेते हैं और उन दिनों में किस दिन राइट अपॉर्चुनिटी आती है हम ख्याल ही नहीं करते हैं, हम उसको माइंडफुली पहचान ही नहीं पाते हैं और उसको भी हम सिर्फ जाने देते हैं। सक्सेस मंत्र यही बताता है कि हमें अपना हर दिन, हर घंटा, हर मिनट बहुत ध्यान से परखना होगा, पता नहीं कहाँ कोई अपॉर्चुनिटी छुपी हो जो हम शायद मिस कर रहे हो। वो एक अपॉर्चुनिटी हमारी किस्मत बदल सकती है, हमारा भाग्य बदल सकती है, हमें सपने पूरे करने की एक दिशा दे सकती है। तो दोस्तों हर दिन को, हर घंटे को, हर मोमेंट को बहुत ध्यान से, बहुत कुशलता पूर्वक देखिए ताकि वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल ना जाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हमें कमेंट करके बताइए कि आपके ज़िंदगी में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी जो अभी आपको लगता है कि आपने मिस कर दी और आप पछता रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि लोगों के भी काम आए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे वेल, लव यू ऑल।